नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम मीनिंग रूजी 1.0 में। आज हम डिटेल में कवर करेंगे एवीई वर्सेस डब्ल्यूआर की टीमों के बीच में जो बायजूस पोंडिचेरी T10 का मैच नंबर 34 खेला जाएगा उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कौन सा बैट्समैन, कौन सा ऑलराउंडर और कौन सा बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनेगी, किन किन प्लेयरों को आप सी और वीसी के रूप में ट्राई करके चल सकते हो, ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जो आज के इस मैच में आपके लिए स्मॉल लीग में एक बेस्ट पिक बनेगी, और किन किन प्लेयरों को आप मेगा कॉन्टेस्ट जीएल में एज ए ट्रंप कार्ड पिक यूज के चल सकते हो। तो संपूर्ण एनालिसिस मिलेगा आपको इस वीडियो में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमारी फाइनल टीम रहेगी, जो फाइनल अपडेट रहेगी, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक मिलेंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ब्लू कलर के लिंक रहेंगे, सिंपली आप वहां पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ जो भी हमारी फाइनल स्मॉल लीग और मेगा कॉन्टेस्ट जीएल की टीमें होगी, वो भी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट गाइस, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं गाइस एनालिसिस सेक्शन में। तो दोस्तों, इस मैच का वेन्यू रहेगा क्रिकेट एसोसिएशन पोंडिचेरी में, यह मुकाबला खेला जाएगा सुबह 8:30 पे मुकाबला स्टार्ट होगा। अगर दोस्तों बात की जाए पिच रिपोर्ट की, तो ओवरऑल यहाँ का विकेट है वो एक बैलेंस विकेट एक्सेप्ट किया गया है। साथ साथ देखो तो इस वेन्यू के ऊपर पेसर गेंदबाजों को भी काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। इस वेन्यू के फर्स्ट इनिंग के ओवर स्कोर की बात की जाए, तो 90 और 100 के अराउंड आप अपना ओवर स्कोर है वो एक्सेप्ट करके चल सकते हो, इसी के अंडर आपको ओवर स्कोर है वो बनता हुआ नजर आ जाएगा। बाकी इस वेन्यू की जो भी फ्रेश पिच रिपोर्ट होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी एवी की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो उससे पहले अगर गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना गाइज, केवल 50 लाइक का टारगेट रखा है, आई होप आप जल्दी ही कंप्लीट कर दोगे। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी एवी की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो इस टीम ने इस सीजन 8 मुकाबले खेले, अपने 4 मुकाबले वोन करके आ रही है, 4 मुकाबले हैं वो लॉस करके आ रही है। इस टीम की तरफ से देखो तो मीरा मिथुन आपको ओपन कराते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मुकाबले में देखो तो बैटिंग में 29 रन है, सेकंड लास्ट मुकाबले में बैटिंग में 38 रन है। एक ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली, लेकिन उससे पहले देखो तो एक मुकाबले में 37 रन भी बना के दे चुके हैं, और साथ साथ 3 मुकाबलों में एक एक विकेट भी निकाल के दे चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए मीरा मिथुन रहेगी, तो जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चला गाइज। वहीं बात की जाए इनके साथी ओपनर अरविंद कोढ़ा पानी की, तो लास्ट मुकाबले में देखो तो बैटिंग में 30 रन बनाए, सेकंड लास्ट मुकाबले में 18 रन बनाए, उससे पहले भी देखो तो एक मुकाबले में 21 रन, एक मुकाबले में 27 रन और एक मुकाबले में 34 रन आए। तो कुल मिला के आपके लिए एक ओवरेज पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाएंगे। वहीं बात की जाए आकाश कारगवे की, तो लास्ट मुकाबले में 35 रन, सेकंड लास्ट मुकाबले में 41 रन, उससे पहले भी 2-3 इनिंग इन्होंने काफी लाजवाब खेल के दिए, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप चाहो तो सीवीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। वहीं बात की जाए जय सुंदरम की, तो लास्ट मुकाबले में देखो तो 9 रन, उससे पहले भी फॉर्म इतनी अच्छी खासी नहीं रही है, लेकिन एक मुकाबले में 39 रन नाबाद बनाए, एक मुकाबले में 21 रन बनाए, तो जीएल में एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, तो जरूर से आप जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। तेंदुलकर की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में देखो तो 3 रन बनाए और रिटायर हेड हो गए थे, उससे पहले देखो तो एक मुकाबले में 42 रन और 3 मुकाबले में 20+ रन बना के आ रहे। तो कुल मिला के आपके लिए ओवरेज पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चल सकते हो। भरत शर्मा की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में बैटिंग में 1 रन नाबाद बनाए, 2 ओवर की बॉलिंग डाली, 3 विकेट निकाल के दिया, उससे पहले देखोगे तो एक मुकाबले में 6 रन नाबाद बनाए, 2 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली। थर्ड लास्ट मुकाबले में बैटिंग में 20 रन आए, 2 ओवर की बॉलिंग डाली, सफलता नहीं मिली, लेकिन जीएल में एक ट्रंप कार्ड पिक आपके लिए रहेगी, तो जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप जरूर से भरत शर्मा को सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। पूर्वी सन की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में विकेटलेस, सेकंड लास्ट मुकाबले में भी विकेटलेस, लेकिन उससे पहले देखो तो 2 मुकाबलों में 1-1 विकेट और 1 मुकाबले में 3 विकेट निकाल के दिए, तो जीएल वगैरह में एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। बाकी स्मॉली वगैरह में देखो तो बैटिंग में इतना अच्छा खासा नहीं करवा के दे ना, बॉलिंग में कभी कभार विकेट निकाल के दे रहे, तो जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप जरूर से ट्राई करके चल सकते हो। मोहन दोस्त की बात की जाए तो एक मुकाबले में ओपन करने के लिए एक रन बना पाए, बाकी 3 मुकाबलों में भी देखो तो 1-1 रन नाबाद बना के दिया, तो एक रिस्की पिक रहेगी, बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा तो सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। कश्यप पुरवीड की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 1 विकेट, सेकंड लास्ट मुकाबले में 2 विकेट और थर्ड लास्ट मुकाबले में 3 विकेट, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके सीवीसी भी ट्राई करके चल सकते हो गाइस। वहीं बात की जाए विघ्नेश सोरेन की, तो लास्ट मुकाबले में 1 विकेट, सेकंड लास्ट मुकाबले में 3 विकेट, थर्ड लास्ट मुकाबले में और फोर्थ और फिफ्थ मुकाबले में भी इन्होंने 1-1 विकेट निकाल के दिए, तो और ऐसी पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चला गाइस। वहीं बात की जाए लॉरेंस जवाहरलाल की, तो लास्ट मुकाबले में 3 विकेट निकाले, सेकंड लास्ट मुकाबले में 2 विकेट निकाले, तो जवाहर राज आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, तो जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में वीसी भी ट्राई करके चल सकते हो। बाकी इस टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात की जाए तो मीरा मिथुन हो गया, अरविंद हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, साथ साथ आकाश, तीनों को आप अपनी टीम में कवर करके चला गई। जय सुंदरम हो गया, थरवन हो गया, दोनों को आप जीएल और समोली के दोनों कॉम्बिनेशन में ट्राई करके चल सकते हो, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। भरत शर्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, सीधा सीधा अपनी टीम में कवर करके चला।
गाइज प्रोविजन को आप जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में ट्राई करके चला गए। मोहन दोस्त को आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। सबसे पे आप पूर्वी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, साथ साथ विघ्नेश वरण हो गया और साथ साथ यहाँ पे जुआन राज हो गया। इन तीनों प्लेयरों को आप अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। गाइज इस टीम की तरफ से देखो तो आप 6 या 7 का कॉम्बिनेशन बनाकर आप इन टीमों इस टीम की तरफ से आप प्लेयर है वो ट्राई करके चल सकते हो। बाकी इस टीम की तरफ से बैचेज में जो भी अपडेट आएगी गाइज वो मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक मिलेंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से जाके गाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो गाइज, केवल 50 लाइक का टारगेट रखा है। साथ साथ जो भी हमारी फाइनल टीम होगी, जो फाइनल अपडेट होगी वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जाके जल्दी से ज्वाइन करना गाइज। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी WAR की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो इस टीम ने इस सीजन 9 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले वोन करके आ रही है, वही 4 मुकाबले वो लॉस करके आ रही है, वहीं एक मुकाबला इनका किसी कारण अवॉइडेड हो गया था। इस टीम की तरफ से देखो तो यश जाधव आपको ओपन कराते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मुकाबले में केवल 2 रन आए, सेकंड लास्ट मुकाबले में 47 रन की इनिंग खेली। उससे पहले भी देखो तो 2-3 मुकाबले में ठीक ठाक इनिंग इन्होंने खेल के दिए। तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। थमनीज की बात की जाए तो ये भी लगातार ओपन कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन रिसेंट फॉर्म देखो तो इतनी अच्छी खासी नहीं चल रही है, तो एक रिस्की पिक रहेगी, तो आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। पार्श रत्ना पारखी की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में बैटिंग में 36 रन नाबाद किए, 2 ओवर की बोलिंग डाली, 1 विकेट निकाल के दिया, सेकंड लास्ट मुकाबले में फ्लॉप रहे, थर्ड लास्ट मुकाबले में बैटिंग में 51 रन किए, 1 ओवर की बोलिंग डाली, सफलता नहीं मिली। लेकिन उससे पहले भी 2-3 इनिंग इन्होंने काफी लाजवाब खेल के दिए। तो पार्श रत्ना पारखी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, साथ साथ एक सेफ CBC की चॉइस रहने वाली है, तो जरूर से अपनी टीम में आप और क्रिकेट कैप्टन वाइस कैप्टन है वो ट्राई करके चल सकते हो। सौरभ यादव की बात की जाए तो यह लास्ट मुकाबले में देखो तो सौरभ यादव ने 2 ओवर की बोलिंग डालते हुए 2 विकेट निकाल के दिए, बैटिंग में 6 रन आए, सेकंड लास्ट मुकाबले में 2 ओवर की बोलिंग डाली, सफलता नहीं मिली। लेकिन बैटिंग में 31 रन नाबाद किए, उससे पहले भी एक मुकाबले में 24 रन बना के दे चुके। तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए सौरभ यादव रहेगी, तो जरूर से अपनी टीम में आप कवर करके चला गाइज। वहीं बात की जाए प्रेमराज राजा वैल्यू की तो लास्ट मुकाबले में 17 रन बनाए, सेकंड लास्ट मुकाबले में 22 रन बनाए, उससे पहले भी एक मुकाबले में 33 रन बना के दे चुके। तो एक और ऐसी पिक रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में आप कवर करके चल सकते हो। बाकी आप जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में अपनी टीम में जरूर से कवर करके चला। सेल्वम हो गया, प्रभु भी हो गया, दोनों रिच की पिक रहेगी, दोनों का बैटिंग ऑर्डर भी नीचे रहेगा, तो दोनों की फॉर्म भी इतनी अच्छी खासी नहीं चली है, तो दोनों प्लेयर को आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। संता मूर्ति की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 1 विकेट निकाला, सेकंड लास्ट मुकाबले में 2 विकेट और थर्ड लास्ट मुकाबले में 1 विकेट, उससे पहले वाले 2 मुकाबलों में कोई तो 2-2 विकेट निकाल के दे आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए संथा मूर्ति रहेगी, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। वहीं बात की जाए महक पांडे की तो लास्ट मुकाबले में 2 विकेट, सेकंड लास्ट मुकाबले में विकेट लेस, थर्ड और फोर्थ लास्ट मुकाबले में भी 2-2 विकेट, तो महक पांडे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, तो सीधा सीधा आप अपनी टीम में कवर करके चला। संत्या कुमार की बात की जाए तो 4 मुकाबले खेले लेकिन अभी तक 1 भी विकेट इन्होंने निकाल के दिया है, तो एक रिस्की पिक रहेगी, तो सीधा सीधा आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। वैभव सिंह की बात की जाए तो लास्ट के 2 मुकाबलों में 1-1 विकेट निकाल के दिए, उससे पहले वाले मुकाबले में देखो तो 1 विकेट और 1 मुकाबले में 2 विकेट निकाल के दिए, तो कुल मिलाकर आपके लिए एक और ऐसी पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। बाकी WAR की बेंचेज में जो भी अपडेट आएगी गाइज वो मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक मिलेंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाके गाइज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यह तो हो गया गाइज दोनों टीमों का स्टेट वाइज एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस और क्या रहेगी आज की हमारी ड्रीम 11 की डेमो टीम। गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज विकेट कीपिंग सेक्शन में, यश अश्विनी यादव आपको ओपन कराते हुए नजर आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। हालांकि लास्ट मुकाबले में देखो तो केवल 2 रन बना के दिए, लेकिन सेकंड लास्ट मुकाबले में 47 रन करवा के दिए, उससे पहले भी देखो तो 2-3 इनिंग में इन्होंने काफी लाजवाब प्रदर्शन करके दिया, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, साथ साथ आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में भी अच्छे खासे पॉइंट निकाल के देंगे। मोहन दोस्त की बात की जाए तो बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा, अभी तक 3 मुकाबले खेले, तीनों मुकाबलों में 1-1 रन बना के दिए, तो एक रिस्की पिक रहेगी, तो आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बैटिंग ऑर्डर में बात की जाए तो आकाश आनंद कारगवी है, इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहने वाली है, फॉर्म काफी लाजवाब चली है, तो अपनी टीम में आप कॉर्क के CBC ट्राई करके चल सकते हो। सेल्वम को आप सीधा सीधा ड्रॉप करके चला गाइज। अरविंद की बात की जाए तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है, तो सीधा सीधा अपनी टीम में कवर करके चला गाइज। आर प्रेमराज की बात की जाए तो एक रिस्की सी पिक रहेगी, बाकी आप चाहो तो जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में अपनी टीम में जरूर से कवर करके चल सकते हो। जय सुंदरम को आप सीधा सीधा ड्रॉप करके चला गाइज भाई। एंड थंडरवेन की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, इस मैच में जरूर से कवर करके चल सकते हो। बाकी बैटिंग ऑर्डर में देखो तो अन्य आपको इतनी अच्छी खासी पिक नहीं मिलेगी, तो उस कंडीशन में आप इस प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। बी प्रभु की बात की जाए तो एक रिस्की पिक रहेगी, तो सीधा सीधा आप ड्रॉप करके चलना गाइज। वहीं बात की जाए ऑलराउंडर सेक्शन में, थमजीन है इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, क्योंकि जीएल वगैरह में आप ट्राई करके चल सकते हो, आपको ओपन करा के देंगे, लेकिन फॉर्म इतनी अच्छी खासी नहीं चली है, तो स्मोली वगैरह में आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। मीरा मिथुन की बात की जाए तो यह भी आपको ओपन कराते हुए नजर आ जाएंगे, साथ साथ आपको कंप्लीट 2 ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। पार्श रत्ना पार को आपको नंबर 3 पे बैटिंग कराते हुए नजर आ जाएंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से लाजवाब प्रदर्शन इनका इस सीजन चला है, तो सीधा सीधा अपनी टीम में कवर करके CBC ट्राई करके चल सकते हो।
संता मूर्ति की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। लास्ट के कुछ मुकाबले में देखो, हर मुकाबले में दो या एक विकेट वो आपको हर कंडीशन में निकाल के दे रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चलाएगी। वहीं एल जुआराज की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में दो विकेट, सेकंड लास्ट मुकाबले में तीन विकेट, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप चाहो तो सीवीसी भी ट्राई करके दे सकते हो, आपको कंप्लीट दो ओवर की बॉलिंग डाल के देंगे, साथ साथ आपको बैटिंग बैकअप भी देते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं बात की जाए बॉलिंग सेक्शन में, एम पुरवीसन है, रिस्की पिक रहेगी। जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में आप चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो। महक पांडे की फॉर्म काफी लाजवाब चली है, लास्ट मुकाबले में दो विकेट, सेकंड लास्ट मुकाबले में विकेट लेस, थर्ड और फोर्थ लास्ट मुकाबले में इन्होंने दो दो विकेट निकाल के दिए, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। एस कुमार को आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। एंड विघ्नेश की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट पिक ये भी आपके लिए रहने वाली है, सीधा सीधा अपनी टीम में कवर करके सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। अभी तक इन्होंने पांच मुकाबले खेले, चार मुकाबलों में एक एक विकेट और एक मुकाबले में दो विकेट निकाल के दिए, तो इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जरूर से अपनी टीम में कवर करके चला। वहीं बात की जाए सौरभ यादव की तो एक और ऐसी पिक रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो गाइज। बाकी जीएल वगैरह में जरूर से ट्राई करके चला। कपस्यप्पा पुरविड की बात की जाए तो तीन मुकाबले खेले, एक मुकाबले में दो विकेट, एक मुकाबले में तीन विकेट और एक मुकाबले में एक विकेट, तो इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेगी, तो सीधा सीधा आप अपनी टीम में कवर करके चला। वहीं बात की जाए भरत शर्मा की तो ये भी आपके लिए एक और ऐसी पिक रहेगी, चाहो तो अपनी टीम में कवर करके चल सकते हो। बाकी जीएल वगैरह में जरूर से ट्राई करके चला। वी सिंह को आप सीधा सीधा ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। वहीं बात की जाए गाइज कैप्टन वाइज कैप्टन की तो उससे पहले गाइज अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के दो लिंक मिलेंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लेना गाइज। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए गाइज तो फिलहाल के लिए देखो तो मैं सेफ सीवीसी के चॉइस में जा रहा हूं। आनंद कारक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, तो जरूर से अपनी टीम में कवर करके सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। पार्स रत्ना पारखे को भी मैं अपनी टीम में वीसी ट्राई करके चलाऊं, आपके लिए सेफ सीवीसी की चॉइस रहेगी, तो जरूर से ट्राई करके चलाएंगे। संता मूर्ति हो गया, मीरा मिथुन हो गया, दोनों को आप चाहो तो जीएल और सुमोली के दोनों कॉम्बिनेशन में सीवीसी ट्राई करके चल सकते हो। जुआराज को आप जीएल वगैरह के कॉम्बिनेशन में अपनी टीम में जरूर से सीवीसी ट्राई करके चलाएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। टीम प्रीव्यू की बात की जाए गाइस देखो तो ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, ओनली एक डेमो टीम है। जो फाइनल टीम होगी वो हाफ टटोस के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल के दो लिंक मिलेंगे आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस टेलीग्राम आपके लिए, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। अगर दोस्तों आपको हमारा स्टेट एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।